अमृतपाल के चाचा जी आए थे जी और अमृतपाल अमृतपाल के सुखचैन सिंह उनके चाचा जी हैं, अमृतपाल सिंह और उनके अपना चाचा जी सहरजीत सिंह वो यहाँ पर है। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जितने भी जेलों में बंद लोग हैं ये सभी इनके पेरेंट्स हैं, सभी सिंगल अर्निंग लोग हैं। सरकार के एलिगेशन है बिल्कुल ठीक है, अगर एक भी प्रूव हो जाए तो हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। और जो दसवें हमारे साथ वकील साहब और उनका बेटा कलसी साहब का वो भी मुलाकात करके हैं, सभी से मुलाकात हो गई है। और जो कंसर्न्ड अधिकारी थे वहाँ पर उन्होंने बार बार बोलते कि हमने तो भेज दिया। और उसमें साढ़े वकील साहब सिमरत सिंह इन्होंने मुलाकात कर ली और जब शाम को पता चला 3-4 बजे कि उनका फार्म अभी नहीं मिला इन 8 आदमियों का जो मुलाकात करने आए, डीएम साहब ने दोबारा भेजा और हम उन सब से मुलाकात करके आए हैं, 9 आदमी से हम मुलाकात करके आए हैं। अमृतपाल सिंह अते उसके साथियों के उत्ते NSA लगाया गया, जिस तो बाद उन्होंने डिब्रूगढ़ जेल के भेजा गया। असाम की डिब्रूगढ़ जेल के बंद अमृतपाल सिंह अते उसके साथियों के नाल परिवारों वालों मुलाकात की गई। इस संबंधी सीनियर वकील भगवंत सिंह सियालका ने सारी जानकारी साझी की है। देखो ये बहुत जरूरी था कि इनके परिवार वाले इनको मिलते आकर मिल लेते, तो इसीलिए हम बड़े समय से प्रयत्न कर रहे थे और उसके लिए जहाँ के जेल प्रशासन ने भी हमें सपोर्ट किया और जो था उनकी परमिशन लेनी थी डीएम अमृतसर से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अमृतसर से, हमने उनको परमिशन सबमिट की, एप्लीकेशन को परमिट करने की कि अपने परिजनों से मिल सकें और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उन्होंने इसको अलाउ किया। और इस सबसे पहले मिस्टर कलसी उनकी वाइफ और बेटा मिलकर गए, उनको आज भी वो आए हैं। और उसके बाद क्योंकि पंजाब में इस वक्त फसल का सीजन था गेहूं का, उसलिए सभी का था कि पहले फसल देखें, हम अपना गेहूं का संभाल कर। और आज हम उन सब परिवारों को लेकर यहां पर आए हैं, आपने देख ही लिया, हमारे साथ अपना 4 लेडीज़ हैं और 4 हमारे साथ मेल मेंबर्स हैं फैमिली के। और हमारे साथ मिस्टर समीर टोडी जी जो इस केस में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की साइड से जो इन यहाँ पर डिप्यूट किया गया, वो भी हमारे साथ पहले भी आए, तब भी हमारे साथ रहे और अब भी वो हमारे साथ रहे। और आज थोड़ा कन्फ्यूजन होगी क्योंकि पंजाब में सीएम साहब के सैडफुल डिमाइज के लिए वहाँ पर 2 दिन की छुट्टी थी और 2 दिन की छुट्टी के कारण आज भी वहाँ पर जो है वो छुट्टी होने के कारण एक कन्फ्यूजन बनी रही कि उन्होंने शायद भेज दी है परमिशन मिलने की और इनकी आने वाली रहेगी, क्योंकि जहाँ से पहले हमने फार्म ए भरकर वहाँ पर भेजा और वहाँ से वो परमिट हो के आना था। और जो कंसर्न्ड अधिकारी थे वहाँ पर उन्होंने बार बार बोलते कि हमने तो भेज दिया। और उसमें साढ़े वकील साहब सिमरत सिंह इन्होंने मुलाकात कर ली और जब शाम को पता चला 3-4 बजे कि उनका फार्म अभी नहीं मिला इन 8 आदमियों का जो मुलाकात करने आए हैं, तो तब फिर डीएम साहब ने दोबारा भेजा और हम उन सब से मुलाकात करके आए हैं, 9 आदमी से हम मुलाकात करके आए हैं। और दसवें हमारे साथ वकील साहब और उनका बेटा कलसी साहब का वो भी मुलाकात करके आए हैं, सभी से मुलाकात हो गई है और जल्द ही दोबारा इनके परिजन को परिवार के और मेंबर्स भी जो हैं उनको लेकर आएंगे और मुलाकात करेंगे। अपने लोग आए थे क्या आज भेंट करने के लिए? क्या अमृतपाल जी के कोई? हाँ जी, अमृतपाल के चाचा जी आए थे जी और अमृतपाल चाचा जी
अमृतपाल के सुखचैन सिंह उनके चाचा जी हैं और मेरा ब्रदर भी हरजीत सिंह, इनके एक ब्रदर हैं हरजीत सिंह, इनके फैमिली के दो मेंबर हैं जहां पर अमृतपाल सिंह और उनके अपना चाचा जी सहरजीत सिंह वो जहां पर हैं। इस केस में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जितने भी जेलों में बंद लोग हैं जी, सभी इनके पेरेंट्स हैं, सभी सिंगल अर्निंग लोग हैं, तो जेल में बंद होने के कारण करके जो एक आर्थिक हालात है बहुत बिगड़ गए हैं। तो लोगों उठाओ, तो आप इंटरव्यू कर सकते हो इन लोगों के साथ कि ये गुजारा कैसे कर रहे हैं, ये स्टेट देख नहीं रहे, सभी लोग सिंगल अर्निंग आदमी है। सो आज अंदर जेल में भाई अमृतपाल सिंह ने अनाउंस कर दिया कि लीगल कमेटी बनेगी, जितनी भी पंजाब में जरूरी है, जरूरी मेरा फिर अंदर ही कोई नहीं, सरकार के एलिगेशन है बिल्कुल झूठ है, अगर एक भी प्रूव हो जाए तो हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। यहाँ हमारे जो एडवोकेट हैं समीर, आप लोग जो जैसे कंडीशन में जो जेल की कंडीशंस होती हैं वो तो वही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक सेंट्रल अपने जो डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल है इसकी कंडीशन बहुत अच्छी है और जितने भी डिटेन्यू हैं बहुत अच्छे से हैं। हाँ जी, मेरा फोन फटे अंदर जाके ना एक फोन में ये डेर गई है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, जैसे होना चाहिए जैसे कैदियों को रखा जाता है वो वैसे ही, तो ठीक है जैसे भी है, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक रखा जा रहा है, जितना उनका हो सकता है उतना हो रहा है। और आप पूछ रहे थे अपना, हाँ जी, किसी तरीके से फिजिकल टॉर्चर या ऐसा कुछ बात नहीं, जेल में कोई टॉर्चर नहीं होता जी, जेल में तो ये NSA केसेस में है, ये प्रिवेंटिव कस्टडी है, इस जेल में किसी केस में नहीं आए, ये प्रिवेंटिव कस्टडी में आए अकेले, और कोई टॉर्चर वगैरह कुछ भी नहीं है, नो टॉर्चर। मैंने आप लोग मैंने जो अमृतसर से अमृतपाल से हमने मुलाकात की है भाई अमृतपाल सिंह से, और वो बिल्कुल चढ़ती कला में है, और जैसे कि एक डेढ़ महीना सरकार से लुकाछिपी चलती रही और सरकार का जो था कि हम ऐसे ही जैसे एकदम उनको काबू कर लेंगे, और उन्होंने बता दिया कि एक जब कोई सरकार का विरोध करता है तो कैसे सरकार को डॉज कर सकता है, और सरकार का जो अमृतपाल सिंह के नाम पर ऑपरेशन करके पंजाब के नौजवानों को धमकाना, डर पैदा करना, वो भाई अमृतपाल सिंह ने उसको सबको खारिज कर दिया है। और आज जो हैं हम भाई अमृतपाल सिंह के साथियों के परिवार के मेंबर, जैसे सिंह साहब जद से अकाल तख्त साहब, उन्होंने ड्यूटी लगाई थी सभी की कि इस केस की पैरवाई, क्योंकि एक किस्म का सरकार बड़े पैमाने पर बड़े बड़े पद्धर पर जो है उसको बदनाम करना चाहती है, सिख कौम को एक एक्सट्रीमिस्ट कौम जो साबित करना चाहती है, उसके लिए सिंह साहब जी ने जो ड्यूटी लगाई थी उसके लिए हमारे प्रधान श्रोमणी गुरुद्वार प्रबंधक कमेटी सर रजिंदर सिंह जी धामी, उन्होंने एक ड्यूटी लगाई थी कि आप इस केस की पैरवाई करो, और उस केस की पैरवाई करने के लिए पहले भी हम आए और इनको मिलकर गए, और अब इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से लेकर मंजूरी इन परिवारों की और इन सबको साथ लेकर आज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्लेटफार्म से इन सबको आज लेकर आए हैं, और इनको उनके परिवार वालों को इनसे मिलाया गया है, और ये एक जो परम था जो जैसे सभी के मन में एक डर था कि पता नहीं वो कैसे होंगे, वो जो है एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे से खुश भी हुए और एक दूसरे मिलकर उनकी जो गलत फहमियाँ वो भी दूर हुई। और जहाँ से आगे की कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे आप लोग, आगे की कार्रवाई इस केस में पहले होता है कि 7 दिन में डेटिन्यू ने रिप्रेजेंटेशन देनी होती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, अगर वो उसको खारिज कर देते हैं तो विद इन 3 वीक्स
उन्होंने जी अपनी रिप्रेजेंटेशन देनी होती है एडवाइजरी बोर्ड को और स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये चार ऑप्शन होती हैं। और चार ऑप्शन से अगर इसके बाद भी ये NSA नहीं खारिज होती तो फिर उसके बाद हम इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अमृतपाल के ऊपर कितना केस है, कितना केस है? अमृतपाल सिंह के ऊपर जो पंजाब में केस है ना, वो 7-8 केस हैं, पर उसमें भी सरकार ने सिर्फ केस करने के लिए केस किए हुए हैं, उनमें कोई कंटेंट नहीं है उन केसेज में। और जो जे है अपना ये केस है NSA का, इसमें तो आपके सामने है कोई फास्ट ग्राउंड्स नहीं है। जितने भी केस है एक महीने में रजिस्टर किए गए हैं, कोई उसका क्रिमिनल बैक रिकॉर्ड नहीं है, है? जी सभी नहीं, मेरा नहीं है। मीड ऑफ फरवरी से लेकर आज तक फोन बाज रहे है, वो मुड़े को तो नहीं अपने को? हां वो देखो, नहीं मेरा फोन तो उठे है। नहीं नहीं, तुसी अंकल कितने बुलाया कि तुसी का इसी सब से होता है तेरा फोन यार। नहीं नहीं, खाने पीने का हैं? एक मिनट, दस दें कि अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी लई पुलिस वालों लगातार छापेमारी की जा रही थी। आखिरकार मोगा के पिंड रोडे तो अमृतपाल सिंह नूं गिरफ्तार किया गया, जिस ते NSA लग्या होया सी ते उसनूं डिब्रूगढ़ जेल दे विच भेज दिता गया। इस तो पहला अमृतपाल के 9 साथी डिब्रूगढ़ जेल दे विच बंद ने। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों एक पैनल बनाया गया सी, इन्हां वकीलां ने उत्थे जाके पैरवाई की, जिस तो बाद दे विच बंद नौजवानों के नाल परिवारों की मुलाकात हो सकी है। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल पंजाबी। निडर हां, निरपक्ष रहांगे, आजाद हां, सच कहांगे, गल करांगे सियासी हवा दी, होणगे हुकमराना नूं सिद्धे सवाल, सब तो पहला पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर, दसांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सफर, विदेशां च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल, कैनेडा दी हर सियासी खबर लेके आवांगे तुहाडे वल, उभरांगे पंजाब दी आवाज बन, होणगे हर पहलू ते रोज चर्चे, खोलांगे अंदरूनी राज, बनांगे बुलंदवाज, खेड सिक्ख्या सेहत खेती दी बात पावांगे, हर पिंड हर शहर जावांगे, मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात, संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल, की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार, की करदी है साडी सरकार, की है तुहाडी मुश्किल दा हल, D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल, धर्म धरोहर सेहत और संस्कृति की होगी बात, अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर, D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती अपने लोक। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ कुलराज चंदावा ते तुसी वेख रहे हो D5 चैनल पंजाबी, जिहड़ा लॉन्च हो चुका है हुण कैनेडा विच।